सुहाली का स्वाद लाजवाब। तो हमने क्या किया, आज सुहाली बनाने जा रहे हैं। हमने ये डबल दो गोले बनाए हैं छोटे छोटे और उसे एक साथ चिपका दिया है इस तरह से, और फिर हमने ऐसे बीच में थोड़ा सा घी डाल दिया है और इस तरह से फिर इसे बर्तन में लगा के आटे में हल्का सा लगा के और फिर हम इसको बेलेंगे। अब ये हमारा बिल गया है और हम अब इसे डाल देंगे तवे पे। हमने इसे तवे पे डाल दिया है, ये डबल रोटी है और ये इसे हम इसे अच्छे से थोड़ा सा घी डाल के पका लेंगे। भैया इतना टेस्टी लगता है ना, सच में कहोगे कि सुहाली का स्वाद लाजवाब। और इसे जब खाओगे ना तो खाने में भी तो बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आने आता है, क्योंकि इसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि इसके बीच में घी लगा रहता है और ऊपर नीचे भी घी लगा रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। तो ये सुहाली बनने वाला है हमारा। मैंने एक बार इसे पलट दिया है, अभी इसे अच्छे से धीमी आँच पे इसे पका रही हूँ और बहुत अच्छे से ये सुहाली तैयार होगा। मतलब कि ये सुहाली ना खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि व्रत त्यौहार में ना जब लोग अरवाइन खाते हैं तो उस समय सुहाली ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि मतलब उसमें तो व्रत त्यौहार में एक्चुअली क्या होता है, सब्जियाँ खानी नहीं होती है, अरवा रहता है तो उनको रोटी ही खानी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो इसलिए लोग सुहाली बनाते हैं। तो आज तो मैं घर पर यूँ ही सुहाली बना रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सुहाली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बनता है सुहाली। मैं इसे देख पा रहे दोस्तों, मैं इसे धीरे धीरे अभी इसे पका रही हूँ धीमी आँचों पे, तो ये पक के अब तैयार हो जाएगा थोड़ी देर, और तब तक मैं दूसरी सुहाली का प्रोसेस कर रही हूँ। ये मैंने दो गोले ले लिए हैं इक्वल साइज़ के, इसे थोड़ा सा हाथ से चिपटा कर लिया है इस तरह से, हल्का सा ही करेंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हल्का सा घी। तो ये दोस्तों आप इसे देख पा रहे हैं, हल्का सा हमने इस पर घी डाल दिया है ना। अब दोनों को हम क्या करेंगे ना, ये दोनों को, ये चूँकि मेरा इक्वल साइज़ का है, अब इन दोनों को हम अच्छे से यहाँ पे चिपका देंगे। अब ये हमने इसे इस पर दोनों को चिपका दिया है इस तरह से, और अब चिपका के इस तरह से बेल के अब तैयार कर लेंगे हम। और इस तरह से अब हमारा ये सुहाली होने वाला है। अब इसमें ऊपर से घी लगा लेंगे और इसे सेक के उतार लेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये सुहाली डबल रोटी बहुत अच्छा होता है, बच्चे तो बिना ऐसे ही खा लेते हैं इसे बिना सब्जी सबके, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छा ये टेस्ट में आता है दोस्तों। तो आप लोग भी ट्राई करें, बनाएं इसे। धन्यवाद।